नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो धनिया होता है, ये तो आप जो देख रहे हैं सामने, ये धनिया का पेड़ है, ये कैसा होता है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो धनिया होता है उसके हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा है इसके लिए हमारे लिए, जैसे अगर हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम है, अगर हमारे शरीर में कहीं एंटी फंगल है या फंगल इन्फेक्शन है हमारे मुंह के ऊपर, जैसे आपने देखा है कई बार दाने हो जाते हैं, अगर हम धनिया का जूस पीते हैं शाम और सवेरे। धनिया का जूस कैसे होता है कि जैसे हम ये पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को पानी में उबाल लेते हैं, और उस पानी को उबालने के बाद हम शाम और सवेरे डेली पीते हैं, जिससे हमारी जो स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती हैं सारी ख़त्म हो जाती हैं। नंबर दो, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो दोस्तों धनिया बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही लाभदायक है। आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ये धनिया जो होता है हर किसी के घर में होता है और हर लोग इसको बीजते हैं और हर सब्जी में इसको अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं। तो आप उसके अंदर, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो धनिया का सेवन अपने खाने में ज़रूर करें, जिससे आपका वेट भी कम होता है। और अगर आपके पेट में दर्द है या आपको गठिया की बीमारी है या आपके जोड़ों में दर्द है, तो दोस्तों धनिया का यूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका जो जूस होता है उस जूस को शाम और सवेरे पिए। ज़्यादातर जो ये होता है हरा धनिया, ये हरे धनिया के फ़ायदे हैं। तो आप, अगर आपके खून में कमी है, धनिया जो होता है वो खून की कमी को भी दूर करता है, तो आप अपने सब्जी में स्वाद के अनुसार डालकर इसको डेली यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है तो धनिया जो होता है वो आंखों की रोशनी को भी ठीक करता है। मुंह में अगर आपके छाले पड़े हैं तो उसके लिए भी आप हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो इसका लेप बनाना है और मुंह के छाले के ऊपर आपने 2 या 3 बार लगाना है, जिससे आपके मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको दस्त है, टटियाँ लगी हुई हैं, तो आपको हरे धनिया का जूस पीना है, वो भी शाम और सवेरे। अगर आप धनिया का यूज़ करते हैं तो धनिया हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। अगर आपके शरीर में एलर्जी है, आपको खुजली है या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो भी आप धनिया का यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच धनिया का पीसकर और साथ में आपने 1 चम्मच शहद का मिलाना है और उसको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आपको एलर्जी है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हरा जो धनिया होता है वो हमारे लिए कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।